हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको मेहंदी में ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके बाल कलर भी होंगे और बिना केमिकल से आपके बाल खिले खिले दिखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक बीट लिया है। बीट को अच्छे से छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े करेंगे हम। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे बीट्स के टुकड़े कर दिए। अभी मैं एक एलोवेरा ले रही हूँ, इसके भी मैं छोटे छोटे टुकड़े करूँगी। छोटे छोटे बीट्स के इसमें ही डालूंगी मिक्सर की जार में। दोनों को सेम मात्रा में पीसना है हमें, इसलिए मैं इसी में ही पीस लूंगी। देखिए इस तरीके से। अभी मैं एक एग्स ले रही हूँ। एग्स का जो पीला पार्ट है वो मैंने निकाल दिया है और वाइट पार्ट है वो मैंने रख दिया है। अभी इसमें बीट्स और इसमें मैं पानी ऐड करूंगी और इसको पीस लूंगी ग्राइंड में। देखिए मैंने यहाँ पे पीस लिया है। अभी मैं एक छन्नी से इसको छान लूंगी। इसका पूरा पानी जो है ये मेहंदी के बैटर में हम डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हम पूरा पानी निचोड़ लेंगे और मेहंदी के इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से मिलाते जाएंगे और पानी निकालते जाएंगे। देखिए अभी हम जो मेहंदी है वो मेहंदी हम अच्छे तरीके से ये पानी और मेहंदी दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरीके से मिक्स करना है, सेम प्रोसेस। अभी जो मैंने एग्स लिया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाना है जब तक कि ये दोनों अच्छे से घुल मिल ना जाए। इसी तरीके से फिर इसको हम, देखिए मैंने इस तरीके से अच्छे से मिलाया। अभी मैं इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। 2 घंटे बाद इसको मैं लगाऊंगी। अभी मेरे 2 घंटे पूरे हो गए हैं। देखिए इस तरीके से इसको कलर आ गया है। अभी ये मेरी मेहंदी बालों को लगाने के परफेक्ट है। अभी मैंने यहाँ पे बालों में मेहंदी लगा ली है। देखिए मैंने 3 घंटे बाद अपने सारे काम वगैरह करके 3 घंटे बाद, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए होंगे, फिर इसको वॉश किया है। देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, कलर भी आया है और शाइन भी लग रहे हैं मेरे हेयर्स, आप खुद देख सकते हैं। इसी तरीके से आप घर पर ही नेचुरल तरीके से बालों को कलर कर सकते हैं। वॉच टू माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।